दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो या तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हो तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे तो आपको शायद कुछ नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे शुरू से लास्ट तक तो भाई आप फिर आगे हो सकता है किसी और का वीडियो देखेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और कब आता है आपके चैनल पर, और जो कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर कब आता है और इससे जो इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्निकल कटोरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट क्लेम का। तो कॉपीराइट क्लेम आपके चैनल के ऊपर कब आता है? जैसे मान लीजिए किसी ने वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है, जैसे मेरा वीडियो, मैंने इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है इसलिए तो आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये वीडियो अपलोड हो गया है और पब्लिश हो गया है, आप लोगों के नज़र में आ गया है या तो कुछ लोगों के नज़र में आ गया है वीडियो। अब यूट्यूब का क्या कहना है कि जो वीडियो एक बार पब्लिश हो गया है उसको दोबारा पब्लिश कोई करता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। जैसे कोई भी अगर यूट्यूब से वीडियो आप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर और उसको डाउनलोड कर करके जो कि चढ़ा देते हैं अपने चैनल के ऊपर तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। अगर बात करें इससे आपके चैनल के ऊपर फ़र्क क्या पड़ता है, तो दोस्तों ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना होता है कि आपका जो कि उसका पैसा बनेगा उस वीडियो का, वो आपको नहीं मिलेगा, वो पैसा जाएगा जो उसका ओनर होगा, मतलब जिसने उस वीडियो को बनाया होगा तो उनके पास में वो पैसा ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो पैसा भी हमारे पास है तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए उनका आधा वीडियो आपने यूज किया है तो आपको एडिट करके उनका आधा वीडियो निकाल देना है और अपना खुद का वीडियो डालना होगा, तब जाके उसका पैसा आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी होगा उसका पैसा बनेगा उस वीडियो का, वो जाएगा उनके पास जो उसका मेन ओनर होगा, जो उनके जिसने पहले बना करके यूट्यूब पर चढ़ाया होगा, ठीक ना। तो कॉपीराइट क्लेम का मेथड ये है, इसका फंडा जो है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब हम दूसरी बात करेंगे, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल के ऊपर कब आता है। तो दोस्तों देखिए, जैसे पहले नंबर पे हम बताते हैं आपको, अगर आपने मेरा चैनल देखा या तो किसी का चैनल देखा जो बड़ा चैनल है कोई, आपने क्या किया उस चैनल का नाम अपने चैनल पर लगा लिया, उसका जो लोगो है उसका लोगो भी आपने अपने चैनल के ऊपर लगा लिया, उस चैनल के ऊपर जो वीडियो बन रहा है उस वीडियो को भी आप कॉपी कर रहे हैं, तो ऐसे में भी आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर बता देते कोई फेक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर के अंदर है ही नहीं, आप अपने वीडियो के अंदर बता रहे हैं कि जो कि ये एप्लीकेशन जा करके प्ले स्टोर के अंदर से डाउनलोड कर लीजिए, तो इसमें भी आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न है, जैसे आप बताते हैं किसी साइट के बारे में, वेबसाइट के बारे में जो कि बहुत गंदा वेबसाइट है, मतलब आपको पता ही होगा बहुत प्रोन वेबसाइट होता है, उसका लिंक आप अपने जो कि चैनल में वीडियो के नीचे भी दे दे रहे हैं, तो इसमें भी आपका यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम एक और अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो खास खास ज़रूरी बात है ध्यान रखने वाली वो हम आपको बता देते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको चैनल पर मिलने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपके चैनल पर 3 बार आता है तो YouTube जो कि आपको 7 दिन का टाइम देता है अपने चैनल के अंदर सुधार करने का, अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो आपका चैनल डिलीट हो जाता है, आपका कोई वीडियो भी नहीं रह जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।